अंदर नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में 9 मंडलों के 37 जिलों में आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बसपा प्रमुख मायावती समेत यूपी के कई मंत्रियों और कई नेताओं ने आज अपने मत का प्रयोग किया और मतदान किया। वहीं मतदान के बाद सीएम योगी ने जनता से भी बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। सीएम ने कहा कि मतदान जनता का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। आपको बता दें कि पहले चरण में आज 10 नगर निगमों के महापौर और 820 पार्षदों, 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्षों और 2740 नगर पालिका परिषद सभासदों, 275 नगर पंचायत अध्यक्षों और 3665 नगर पंचायत सदस्यों समेत कुल 7593 पदों के लिए 44,000 से ज्यादा उम्मीदवार अपना भाग्य आज आजमा रहे हैं। और इस बीच पहले चरण का नगर निकाय चुनाव को लेकर आज मतदान की प्रक्रिया हो रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी, बसपा सुप्रीमो मायावती समेत कई मंत्रियों की तरफ से आज अपने मत का प्रयोग किया गया और लोकतंत्र के इस पर्व में आज भाग लेते हुए सभी नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री योगी की अपील आम जनता से कि बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग करें और मतदान की प्रक्रिया में भाग लें, अपने लिए अपने जनप्रतिनिधियों को चुने और पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इन चुनाव को संपन्न कराने में भी प्रशासन का, चुनाव आयोग का सहयोग करें। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी की तरफ से कही गई है। और आज पहले चरण के चुनाव के लिए इस समय वोटिंग उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। अलग अलग पोलिंग बूथों के अंदर, मतदान केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाओं के तहत मतदान की प्रक्रिया इस समय सुचारू रूप से चल रही है। शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया रहेगी। और वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने मत का प्रयोग आज किया है और पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी इस समय जुड़ गए हैं। नरेश हमारे साथ मौजूद है, आगरा से जुड़ गए हैं। और इसी के साथ अमित भी हमारे साथ मथुरा से इस समय हमें जानकारी देंगे। आपका स्वागत है। और देखिए, सबसे पहले नरेश आपके पास आती हूँ। आगरा की अगर हम बात करें पहले चरण के चुनाव के लिए, क्या स्थिति आप देख रहे हैं, किस तरीके से तमाम जो मतदान केंद्र हैं उन पर क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं, कितने उत्साह के साथ आम लोग भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं? कि बिल्कुल सुबह से ही मतदान होता, लगातार मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होता जा रहा है तो धूप भी निकल रही है, तो कहीं ना कहीं अभी मतदान केंद्रों की हालात की स्थिति है। मेरे पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, ये मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं। अभी यहाँ पर धूप बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं मतदाता यहाँ पर कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सुबह की हम बात करें तो सुबह से यहाँ पर लगातार लंबी लंबी लाइन देखी जा रही थी, मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे थे। वहीं अगर आगरा की हम बात करते हैं तो आगरा में शांति पूर्ण तरीके से सुबह से ही लगातार मतदान हो रहा है, मतदान की प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो इस लोकतंत्र के इस महापर्व में जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर के भाग ले रहे हैं। अभी तक बारी थी प्रत्याशियों की, लेकिन आज मतदाताओं की बारी है। यही मतदाता है जो प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला करेंगे, उनका भाग्य जो है ईवीएम मशीन और बैलेट बॉक्स में बंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं आगरा की मौजूदा स्थिति यह है कि लगातार शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। वहीं बात करते हैं तो आगरा के कमिश्नर और डीएम लगातार जो पोलिंग बूथ है, मतदान केंद्र है, वहां का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल आगरा में शांतिपूर्ण तरीके से निकाय चुनाव का मतदान हो रहा है। जी चलिए ठीक है नरेश, अमित भी हमारे साथ मौजूद है मथुरा से। अमित आपका रुख करते हैं, क्या स्थिति आप मथुरा के अंदर देख पा रहे हैं, क्या उत्साह है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार हमने नगर निकायों को लेकर चुनाव प्रचार देखा है, उस प्रचार का उत्साह कितना आम लोगों के बीच आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल विशाखा, मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह से ही सभी मतदाता मतदान करने के लिए जुटे हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मतदान केंद्र है, लेकिन इस समय धूप के चलते का लोग धीरे धीरे करके मतदान करने आ रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हुई है, सभी महिला हो, पुरुष हो या छोटे बच्चे हो या जिनकी पहली वोट होगा, पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो मतदाता है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और सभी प्रत्याशियों का भाग्य आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। ईवीएम में कैद होने के बाद 13 तारीख को जो
जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने बाद में जब पता पड़ेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, उसके बाद में एक खुशी का सा माहौल हो जाएगा। और आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने भी काफी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हुई है, जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो पूरा शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी भी लगाए हुए हैं, और जहां तक कि पीएससी बल भी तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर और सीओ रैंक के भी अधिकारियों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो सके और पूरे चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। सुबह से ही जिला अधिकारी और एसएसपी अपने अधीनस्थों के साथ सारे मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, और सुबह कुछ मशीनों के भी खराब होने की बात आई थी, जिसके बाद कुछ जगह पर लेट मतदान शुरू हुआ, लेकिन जो निर्वाचन अधिकारी थे उन्होंने तत्काल सूचना मिलते ही मशीनों को चेंज करा दिया था। जी विशाखा, बिल्कुल, और देखिए यही स्थिति समय पूरे उत्तर प्रदेश में नजर भी आ रही है। विजय भी हमारे साथ मौजूद है रायबरेली से। विजय, आपका रुख करते हैं, क्या स्थिति आप रायबरेली के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि रायबरेली हॉट सीटों में से एक कही जाती है, और यहाँ नगर निकायों के चुनाव को लेकर क्या आप लोगों के अंदर उत्साह देख रहे हैं, व्यवस्थाएं आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? बता दो, सुबह से 7 बजे से मतदान चालू है, मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है जनता के बीच, क्योंकि ये नगर निकाय चुनाव और ये रायबरेली जो है कभी कई कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंक दी है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें दिख रहे हैं, आपको दिखा दें कि सुबह से लंबी लंबी कतारें दिख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, मत का प्रयोग करने के बाद फिर जा रहे हैं, और सुरक्षा व्यवस्था की काफी संभव हो तो वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, किस तरीके से क्या मुद्दे लेकर वो आज अपना वोट देंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे, वो भी आप दर्शकों तक पहुँचाएगा, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं अभी आप वो बताइए। जी जी जी, कुछ लोग मतदान करके आ रहे हैं, उनसे सर मतदान किया आपने किस मुद्दे पे? क्या पिछली बार क्या साफ सफाई नहीं हुई थी, पिछली बार विकास नहीं हुआ था? ये थोड़ा तेरा सवाल है, हुआ था लेकिन थोड़ा और कुछ। ठीक ठीक ठीक, ये हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि पिछली बार हुआ था विकास लेकिन कम हुआ था, इस बार विकास और ज्यादा चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो विकास के मुद्दे पर जनता इस बार अपने मत का प्रयोग कर रही है, क्या कुछ काम नगर निगमों के अंदर हुए हैं उसको लेकर तमाम जो अपने मत का प्रयोग है वो आम जनता करेगी। और नरेश, देखिए जो स्थिति हम देख रहे हैं नगर निकायों के अंदर, क्योंकि 2024 के लिहाज से बहुत अहम चुनाव इनको माना जा रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि हर एक पार्टी जनता की नब्ज टटोलने का जो कार्य है वो इन चुनाव के माध्यम से कर रही है। साफ तौर पर शहरी क्षेत्रों के अंदर किस पार्टी की कितनी पकड़ है वो इन चुनाव के नतीजों से स्पष्ट होगा। देखिए बिल्कुल, अगर बात करते हैं 2024 नजदीक है और 2024 का रास्ता यहीं से तय करे हो जाएगा निकाय चुनाव को लेकर के। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो तकरीबन कई वर्षों से आगरा को अभी तक भाजपा का ही मेयर मिलता हुआ है, लेकिन इस बार की बात करें तो कहीं ना कहीं बीएसपी ने आगरा में दाव खेला है, बसपा ने दलित एक कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो कहीं ना कहीं दलित वोटर है वो कहीं ना कहीं बीएसपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान कई भाजपा गद्दार नेताओं से हमारी बात, उनका ऐसा मानना था कि हमारे वोटर हैं, हम लगातार अपने वोटरों को खींचने का काम करें। देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात अगर आगरा की करते हैं तो आगरा की एक शमशाबाद नगरपालिका सीट है, इस नगरपालिका सीट पर तकरीबन 25 वर्षों से समाजवादी पार्टी का कब्जा था, समाजवादी पार्टी में राज्य मंत्री रहे शिव कुमार राठौर, यहां से चेयरमैन थे, उनकी पत्नी भी चेयरमैन रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि भाजपा ने एक दाव खेला, उनके ही परिवार में सेंध लगाने का काम किया, भाजपा ने उनके ही जो भाई थे उनको टिकट दिया, ठीक है। उसके बाद में होता यह है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से लक्ष्मी देवी राठौर अपना पर्चा दाखिल कर देती हैं, देवर और भाभी दोनों ही चुनावी मैदान में उतर जाती हैं, लेकिन परिवार के चलते कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी लक्ष्मी देवी राठौर, उन्होंने अपना पर्चा जो था नामांकन वापस ले लिया, और उन्हीं के देवर जो ब्रजमोहन राठौर है उस नगर पालिका सीट से कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी मैदान में, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने समाजवादी पार्टी का ये नगर पालिका क्षेत्र कहीं ना कहीं गढ़ माना जाता था, लेकिन परिवार को ही टिकट देकर के परिवार में ही सेंध लगाने का काम भाजपा ने किया है। जी बिल्कुल, यानी कि आगरा के जो नतीजे हैं वो भी इस बार दिलचस्प रहेंगे, किस तरीके से किस पार्टी को जो समीकरण है उनको कहीं ना कहीं लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। और अमित, देखिए मथुरा के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर क्या आप चुनावी समीकरण देख रहे हैं? दूसरा सवाल यह भी है कि पहले चरण के मतदान का जो क्या फीसदी है, कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो अपने मत का प्रयोग करने इस समय पोलिंग बूथों पर पहुंचे हैं, उसको लेकर अगर अपडेट हो तो वो भी जानकारी आप दीजिएगा।
जिस तरीके से एकदम जब शुरू मतदान शुरू हुआ था उस समय देखने को मिल रहा था, काफी दिलचस्प तरीके से मतदान हो रहा था, काफी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। लेकिन इस समय धूप का माहौल, जो धूप के चलते जिस तरीके से मतदाता आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं, क्योंकि धूप तेज है और धूप में बड़े बुजुर्ग जिस तरीके से देखे जा रहे हैं वो धीरे धीरे करके मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि मथुरा का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में जिस समय कांग्रेस प्रत्याशियों का जोर जो देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मथुरा में काफी जो कांटे का जो मुकाबला देखने को मिल रहा है काफी दिलचस्प है। और जिस तरीके से आज का जो चुनाव देखने को मिल रहा है, प्रत्याशियों को मध्यरात्रि प्रत्याशियों ने भी काफी अपनी जोर अजमाइश की थी ताकि मतदान हमारे पक्ष में हो सके, लेकिन सुबह से ही प्रशासन काफी अलर्ट दिखाई दे रहा है और प्रशासन किसी भी प्रकार से फर्जी मतदान होने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और किसी भी तरीके से देखा जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जी विशाखा, ठीक है अमित, आप तीनों से ही आप लोग इस समय, क्योंकि तीनों पोलिंग बूथों पर आप सभी मौजूद हैं, तो वहां पर जो लोग मौजूद हैं आप उनसे बातचीत करिएगा, क्योंकि किस आधार पर आज उत्तर प्रदेश की जनता इन नगर निकायों के अंदर भाग ले रही है, किन मुद्दों पर अपने मत का प्रयोग कर रही है, वो भी जनता तक पहुंचना बेहद जरूरी है। और देखिए फिलहाल विजय, अगर हम बात कर रहे हैं पोलिंग बूथों पर व्यवस्थाओं की, तो इस समय पूरी तरीके से जो चौकस है वो सभी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। हमने देखा इस बार केवल जो राज्य की पुलिस है वो ही नहीं, अलग से रिजर्व पुलिस भी लगाई गई है, उनकी प्लाटून भी लगाई गई है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग है, यानी कि इस लोकतंत्र के पर्व को पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इस बार सरकार के सामने और चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से इसको सफल कराना चाहता है। इस बार लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, ये आज लोकतंत्र का महापर्व है और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, लोग आ रहे हैं अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं और प्रशासन ये नहीं चाहता कि कहीं से कोई चोक हो सके, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, सब कुछ लगा है, ड्रोन कैमरा है, सारी व्यवस्थाएं प्रशासन ने कर रखी है और प्रशासन पूरा अलर्ट है। हमारे साइड में भी बैठे काफी प्रशासन के लोग हैं और सुबह से ही देख रहे हैं 7 बजे से लोग आ रहे हैं और काफी उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि ये रायबरेली जो है रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार सेंध लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है भाजपा। बिल्कुल, तो भाजपा की तरफ से हर एक सीट पर इस बार जो समीकरण है वो साधे गए हैं, वो चाहे रायबरेली हो, मथुरा हो या फिर आगरा हो। नरेश, इस समय आगरा के अंदर जिस तरीके से आपने बताया कि भाजपा की तरफ से तमाम जो यहाँ पर हम कह सकते हैं नुस्खे आजमाए गए हैं, जो पारिवारिक इतिहास इस सीट का रहा है उसमें सेंध इस बार भाजपा की तरफ से लगाई गई है, कितने फीसदी मतदान अभी तक अगर हम बात करें पोलिंग बूथों पर आगरा क्षेत्र के अंदर हो पाया है? देखिए बिल्कुल, आगरा की बात करते हूँ, आगरा में अभी तक तकरीबन 18% मतदान पूरे आगरा में हो चुका है और लगातार ये मतदाता और मच्छा खपा यहाँ पर उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि अगर सुबह की बात करते हैं तो सुबह जो मतदान की जो परसेंटेज जो प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देती, लेकिन जैसे जैसे जब धूप पड़ रही है तो कहीं ना कहीं मतदान कम होता जा रहा है, लेकिन लग रहा है कि जब मौसम ठंडा होगा तो एक बार मतदाता फिर से मतदान केंद्रों पर पहुंच सकते हैं और कहीं ना कहीं मतदान कर सकते हैं। मेरे पीछे की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, ये मतदान केंद्र है, यहाँ पर बहुत ही कम मतदाता यहाँ पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी हो चुकी है, धूप हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं मतदाता मतदान केंद्रों पर कम पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे ही मौसम ठंडा होगा तो कहीं ना कहीं मतदाता फिर से मतदान केंद्रों पर पहुंच सकते हैं। जी तो बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे शाम होगी तो शाम तक ही मतदान जो फीसद है उसमें बढ़ोतरी होने के भी पूरे पूरे चांसेस रहते हैं और 6 बजे तक कहीं ना कहीं शत फीसदी जो मतदान है उसकी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। और अमित, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं इस पूरे नगर निगम के प्रथम चरण को लेकर, क्या कुछ अंदाजा प्रथम चरण के मतदान की प्रक्रिया के बाद लगाया जा सकता है? बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मथुरा का समीकरण जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में कांग्रेस प्रत्याशी का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और रालोद ने कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार रावत को जो समर्थन दिया है उसको देखते हुए लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मध्य रात्रि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने वोटरों को रिझाने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय जो मतदान का जो स्थिति दिखाई दे रही है काफी तेज गर्मी के चलते मतदाताओं का पहुंचना धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि मथुरा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में कांग्रेस प्रत्याशी का सभी पल पल की अपडेट, क्या कुछ इस समय नगर निकाय को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति है वो दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं।